पंजाब में नया बलदियाती निजाम लाने का ऐलान, वजीर आजम, काबीना और पार्लियामानी पार्टी ने मंजूरी दे दी। राजा बशारत कहते हैं नए बलदियाती निजाम में दो दर्जे होंगे, देहात में यूनियन काउंसिल्स की जगह पंचायत काउंसिल्स बनेंगी, शहरों में म्यूनिसिपल और तहसील काउंसिल्स, कॉर्पोरेशंस और मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशंस होंगी, विलेज और मोहल्ला काउंसिल्स का इंतखाब गैर जमाती बुनियाद पर कराने की तजवीज। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दवाओं की कीमतों बढ़ाने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का हुक्म, 72 घंटे में कीमतें पुरानी सतह पर लाने की हिदायत कर दी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की एक रोजा दौरे पर लाहौर आमद, वज़ीर-ए-आला उस्मान बुज़दार से मुलाकात, वज़रा की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग ली। वज़ीर आज़म इमरान खान ने विफाकी और सूबाई वज़रा को शरीफ फैमिली की करप्शन बेनकाब करने का टास्क दे दिया। लाहौर में वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास, विफाकी और सूबाई हुकूमतों के इदारों ने नए केसेस के लिए मवाद इकट्ठा कर लिया। मियां महमूद रशीद कहते हैं शरीफ फैमिली के खिलाफ मौजूदा नैब केसेस पहले से चल रहे हैं, अब हुकूमत अपने मवाद की बुनियाद पर नए मुकदमा दायर करेगी। नए वजीर आजम की पंजाब काबीना के इजलासों की सदारत पर सवालात उठा दिए, वजीर आजम के इकदाम को सूबाई मामलात में मुदाखलत करार दे दिया। लीग रहनुमाओं का कहना है पिछले 6 माह से पंजाब काबीना का कोई ऐसा इजलास नहीं जिसकी सदारत वजीर आजम ने ना की हो। वज़ीर आज़म इमरान खान के साने साहिवाल के मुतासरा फैमिली से मुलाकात, वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म का वरिसा से गहरी हमदर्दी का इजहार, चेक भी तकसीम किए, कहा इंसानी जानों के ज़िया का किसी सूरत इज़ाला नहीं किया जा सकता। शहबाज गिल कहते हैं वज़ीर आज़म ने 1 करोड़ रुपये वालदैन और 2 करोड़ रुपये बच्चों की कफालत के लिए दिए। सरमायाकारी बढ़ाने के लिए निजाम में आसानियां पैदा कर रहे हैं, 6 माह में 8,000 कंपनी रजिस्टर्ड हो, विदायगियों का निजाम ऑनलाइन कर दिया, तामीराती काम की इजाजत और रजिस्ट्रेशन का अमल आसान बना रहे हैं। अब्दुल रजाक दाऊद और हारून जरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पिछले 5 साल जबकि बड़े बड़े वादे किए गए थे कि हम 200 डैम्स बनाएंगे, उन डैम से बिजली होगा और खैबर पख्तूनख्वा जो है वो पाकिस्तान की लोड शेडिंग खत्म करेगी, पिछले 5 साल से 1 मेगावाट बिजली खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने हमारा नेशनल ग्रिड को ऐड नहीं किया। थर में कोयले से बिजली की पैदावार के मंसूबे का बाकायदा इफ्तिताह, बिलावल भुट्टो के मुखालिफीन को तनकीद के झटके, कहते हैं 200 डैम बनाने के दावे हुए मगर 1 वाट बिजली भी पैदा नहीं की गई। थर के काले सोने से पूरा मुल्क फायदा उठाएगा, ये होता है नया पाकिस्तान, मुराद अली शाह ने कहा। इन्हें बहुत डराया गया लेकिन यू टर्न नहीं लिया। हमजा शहबाज को गिरफ्तारी का खौफ, रमजान शुगर मिल्स और साफ पानी कंपनी केस में भी 17 अप्रैल तक बुरी जमानत करा ली। मीडिया गुफ्तगू में बोले नैब वाले बुलाते किसी केस में है, धर किसी केस में लेते हैं। उधर हमजा शहबाज आज नैब के रूबरू पेश ना हुए, 12 अप्रैल को फिर तलबी। बड़े खुश नजर आ रहे हो, इस तरह तो होता है, इस तरह नहीं। आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर की अबूरी जमानतों में 29 अप्रैल तक तौसी, नैब को जवाब दाखिल कराने के लिए मजीद वक्त मिल गया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट से जमानत में तौसी के बाद साबिक सदर के चेहरे पर मुस्कुराहट, सर बड़े खुश नजर आ रहे हैं, सहाफी का सवाल, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में, आसिफ जरदारी का जवाब। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ बिलावल भुट्टो पर मेहरबान, चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का अपना चैम्बर बिलावल भुट्टो को दे दिया, चैम्बर की तजीनो आराइश का काम जारी, खर्चा बिलावल भुट्टो खुद बर्दाश्त करेंगे।
प्रॉपर्टी टाइकॉन मलिक रियाज के खिलाफ एक और रेफरेंस तैयार। नैब हेड को अचिस को बहरिया टाउन के मालिक के खिलाफ दूसरा रेफरेंस मौसूल हो गया। शामिलात देहे के रकबे पर कब्जा करके बहरिया गोल्ड सिटी मंसूबा बनाने का इल्जाम। बेटा अली मलिक भी मुलजिम नामजद। चेयरमैन नैब की मंजूरी के बाद रेफरेंस दायर किया जाएगा। कराची की फैमिली का 40 लाख से ज्यादा डॉलर्स अमेरिका मुंतकिल करने का इंकशाफ। मकामी अदालत ने बाप बेटे और बेटियों के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। उधर एफपीआर को 8 अरब से ज्यादा की ट्रांजैक्शंस के 6 बेनामी अकाउंट्स का खोज मिल गया। 4 ताजरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू। शेख रशीद रेलवे गोल्फ क्लब केस में दलाइल देने से पीछे हट गए। वजारत रेलवे ने नए वकील की खिदमत हासिल कर ली। सलमान अकरम राजा कल पेश होंगे। वजारत रेलवे ने मुकदमे का तमाम रिकॉर्ड सलमान अकरम को फराहम कर दिया। उनसे पहले सलमान अकरम बट रेलवे के वकील थे। फीस ज्यादा होने पर शेख रशीद ने गुज़श्ता समात पर खुद दलाइल देने की इस्तदा की थी। सुप्रीम कोर्ट में नई गाज डैम की तामीर का केस। सिंध हुकूमत ने एक्निक का फैसला तस्लीम करने से इनकार कर दिया। डैम की लागत का 50% अदा नहीं कर सकते। एडिशनल एडवोकेट जनरल सिंध का अदालत में मौकिफ। जस्टिस अजमत सईद ने वाजे किया कि बहरिया टाउन से मौसूल होने वाली रकम नई गाज डैम की तामीर पर खर्च नहीं होगी। मामले पर सूबाई हुकूमत से जवाब तलब। इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के एमपीए मोहम्मद खानतूर जाली डिग्री रखने पर नाहिल करार। नोटिफिकेशन जारी। मोहम्मद खानतूर PB4 लुरालई से रुकने बलोचिस्तान असेंबली मुंतखब हुए थे। महंगाई के सताए वाम पर एक और बोझ। कराची में दूध माफिया भी बेलगाम। डेयरी फार्मर्स ने कीमत 23 रुपए फी लीटर बढ़ा दी। होलसेल कीमत सेंचुरी मुकम्मल करते हुए 108 रुपए तक जा पहुंची। रिटेलर्स भी कीमतें बढ़ाने के लिए पर तोड़ने लगे। सारिफ के लिए कीमत 120 रुपए तक बढ़ने का इम्कान। दादू में 9 सरकारी गोदामों से गंदम के भरी 1,94,000 बोरियां गायब होने का इंकशाफ। तहसील जोही के गोदाम से 31,500 बोरियां गायब हुई। डिप्टी डायरेक्टर जमीर अब्बासी का कहना है कि गुज़श्ता साल खरीदी गई गंदम गायब है। एंटी करप्शन टीम कराची का तहसील जोही में सरकारी गोदाम पर छापा। तमाम अमला फरार। कराची से मॉडलिंग के लिए लाहौर आने वाली लड़की के कत्ल का वाकया। मॉडल इकरा सईद का पोस्टमार्टम मुकम्मल। वर्षा मैयत लेकर कराची रवाना। पुलिस के मुताबिक इकरा सईद कुछ दिन पहले दुबई से वापस आई थी। अहले खाना से झगड़े का इंकशाफ। पुलिस ने मोबाइल कॉल्स का रिकॉर्ड हासिल कर लिया। मुकदमे में नामजद मुलजिम उस्मान गिरफ्तार। पालपुर में बासर जमींदार ने खाने का बिल मांगने पर होटल मालिक और उसके बेटे को तशद्दुद का निशाना बना डाला। जमींदार यासीन ने दोस्तों के हमरा होटल में खाना खाया। बिल मांगने पर तैश में आ गया। कौमी एयरलाइन की बा कमाल एयर होस्टेस का दौराने ड्यूटी पेरिस से लाजवाब फरार। फ्लाइट मेजबान शाजिया ने सिफारिश कराकर पेरिस के लिए ड्यूटी लगवाई और बगैर बताए बेल्जियम चली गई। इंतजामिया ने शाजिया का इस्तीफा देकर मामले की इंक्वायरी शुरू कर दी। दूर नहीं
हर सतर पर असर, मेयार और एतबार के दो साल मुकम्मल, रोजनामा 92 न्यूज की दूसरी सालगिरह, लाहौर में मरकजी तकरीब का एहतमाम, मुल्तान, क्वेटा, फैसलाबाद, सरगोधा और दीगर शहरों में भी केक काटने की तकरीबात। शुरुका का कहना था रोजनामा 92 न्यूज ने खबर छुपाने की बजाय छापने की रवायत अपनाई, मुख्तसर अरसे में अपनी जगह बनाई।